लोग बताए थे कि भाई ये चश्मे वाला पठान का सवाल पूछेगा। पठान ने कहीं ना कहीं मुझे भी गलत साबित कर दिया। गलत साबित इस टर्म्स में किया कि मैं खुद सोचता था कि अभी थोड़ी पिक्चर है, जब थिएटर में लोग नहीं जाते तो मैं सोचता था कि यार ये कोविड ने ना लोगों को आलसी कर दिया है। कोविड ने लोगों को अभी मोबाइल पे ही सब कुछ देखने की आदत डाल दी है, तो अभी सिनेमा में कोई नहीं जाएगा। बट वो चीज़ चेंज हो गई कि भाई मूवी इतनी तगड़ी बना दो, और शाहरुख खान की फैंडम ही वो है कि लोगों को जाना ही है देखने। और पिक्चर मैंने देखा, पिक्चर अच्छी लगी, और लास्ट वाला जय हिंद तो मतलब सीटियाँ ही तालियाँ, सीटियाँ और पैसे उड़ रहे भाई। तो इतनी अच्छी मूवी बनाए और इंडिया में इस तरह का एक्शन मूवी बन रही है कि हम जब बॉलीवुड की मूवीज़ को देखते हैं ये सब चीज़ें, तो हम बोलते हैं यार इंडिया में ऐसी पिक्चर नहीं बनती, बट हम आ चुके हैं, इंडिया आ चुका है। इसके अलावा लॉकअप 2 को लेके अगर कुछ कहना रहेगा तो आप क्या कुछ कह रहे हैं? क्योंकि फैंस चाहते हैं लॉकअप 2 भी हो और आप दिखे फिर से उस शो में। बिल्कुल, जब होगा तो डेफिनेटली जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। ऐसा लग रहा ना कि अभी की बात है, साल भी हो गया। हाँ, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है। नहीं, जरूरी थोड़ी है कि मेरा पासपोर्ट है तो मैं वहीं जाऊँ। तो देखेंगे, कॉल करेगा तो तुम्हारे को कॉल करता हूँ मैं, वो कॉल करेगा। चालू है वो। लास्ट 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 मुनावर, इसके अलावा मुंजुली फैंस को अगर कुछ कहना चाहिए। वो लगता है मेरे को, अभी दो दिन पहले बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि भाई शाहरुख खान के साथ पिक्चर कब आ रही है ना, तो शाहरुख खान मेरे साथ कर नहीं लेगा ना। मुंजुली फैंस को क्या बोलना? मैं यही बोलना चाहूँगा कि चीज़ होती है जो साथ में काम करने आप दोनों को एक साथ लेकर आए। और रही बात एज अ एक्टर कोई गाना करने की, तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ वो। मैंने दो गाने की, हल्की सी बरसात और एक तू ही। उसके बाद मैंने खुद सोचा कि भाई एज अ एक्टर मेरे को गाने नहीं करने। कभी कुछ एक्टिंग का प्रोजेक्ट मिला तो डेफिनेटली मैं काम करने की कोशिश करूँगा।